नमस्कार, मैं अवंतिका यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। मैं बेटी हूं के इस भाग में, और आज जिस बेटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं उसे हरियाणा सरकार ने उसकी उपलब्धियों की वजह से उसे भीम अवार्ड से भी सम्मानित किया है, और निशानेबाजी की वो पक्की खिलाड़ी है। चलिए मिलवाते हैं आपको उस बेटी से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। साल 1997 में जन्मी हरियाणा की बेटी गौरी शोराण पिस्टल शूटिंग में प्रदेश के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। गौरी अभी तक कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं और करीब 21 अंतर्राष्ट्रीय मेडल वो अभी तक हासिल करने में कामयाब रही हैं। 20 साल की इस बेटी ने महज 14 साल की उम्र में ही निशानेबाजी करना शुरू किया था। गौरी का बड़ा भाई भी शूटर है, और भाई को देखकर ही गौरी का रुझान भी इस खेल की तरफ बढ़ा। गौरी की मेहनत ही थी जो उसे इस मुकाम तक ले आई। गौरी ने हाल ही में जर्मनी में चल रही इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पर कब्जा किया। इससे पहले भी कई उपलब्धियां ये बेटी हासिल कर चुकी है, और इस बेटी की इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने गौरी को भीम अवार्ड से भी सम्मानित किया। कहते हैं कि सही निशाना लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हमारी जो ये बेटी है ये निशाना लगाना बखूबी जानती है, और वो भी एकदम सटीक। और तभी तो वो आज अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी रिप्रेजेंट करती है, और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। तभी तो प्रदेश सरकार ने भीम अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया है। हमारे साथ मौजूद है गौरी खोदात। गौरी, बहुत स्वागत है आपका खबरें। धन्यवाद। और कितना टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? मुझे 6 साल से मैं शूटिंग कर रही हूँ। 6 ईयर्स आपको हो गए हैं, तो कैसे आपने शुरुआत की, किसको देखकर आपको लगा कि नहीं मेरे को अब इसमें शूटिंग की तरफ जाना चाहिए? पहले मेरे भाई ने शूटिंग शुरू करी थी, तो उन्हें देख के मुझे लगा कि मुझे भी मेडल्स जीतने हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है और अपने कंट्री के लिए जीतना है। भाई थे, उनको देख के आपको लगा मोटिवेशन एक मिली, और साथ ही आपके रोल मॉडल कौन है, भाई ही है या फिर कोई और है? मेरे भाई हैं और मेरे चाचू, दोनों ही मेरे रोल मॉडल रहे हैं हमेशा से। अच्छा, अभी तक गौरी, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हालांकि अपने देश को तो रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन कौन सी कितने साल पहले था कि आपको पहला मेडल मिला और जब खुशी हुई और लगा कि नहीं अब तो मेरे को और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है? 5 साल पहले मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल था, तो उसके बाद से मुझे अपने इंटरनेशनल पोडियम पे अपने कंट्री का नेशनल एंथम सुनने का तब से बहुत ज़्यादा मन था, और हमेशा से मैं अपने कंट्री के लिए मेडल जीतना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने शूटिंग के लिए किया। अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? मैं इंटरनेशनल 21 मेडल जीत चुकी हूँ। 21। एंड इसके अलावा जो गौरी, कितने घंटे आपको लगते हैं, क्योंकि इतना टाइम हालांकि 6 साल ही हुए, बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं कहा जाएगा इसको, तो कितने घंटे की आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपना बेहतरीन ताकि आप आगे प्रदर्शन कर सको? शूटिंग के लिए सुबह योगा, मेडिटेशन, और उसके बाद ट्रेनिंग के 2 सेशंस रहते हैं, एक सुबह, उसके बाद लंच के बाद, और फिर शाम को जिम। उसके बाद में ये आपका पूरा दिन भर का शेड्यूल रहता है। इसके अलावा हम बात करें कि आगे जो कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं उसके लिए कितनी कड़ी मेहनत अभी से की जा रही है? आगे अभी तो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स आ रहे हैं, और उनके बाद 2020 ओलंपिक के लिए तैयारी रहेगी। गौरी, जब पहला मोमेंट था कि आप पहली बार देश को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने देश से बाहर निकले थे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गई थी आप और पहली बार देश को रिप्रेजेंट करना था, कितना वो प्रेशर था माइंड पर? आपको लगा कि नहीं, एक बहुत सारी उम्मीदें हैं देश को आपसे, वो प्रेशर कैसा था, क्या फीलिंग्स उस वक्त आ रही थी? सबसे ज़्यादा तो ये था कि कंट्री के लिए जीतना है, ऑब्वियसली वहाँ पर उस टाइम पर नर्वसनेस भी रहती है कि अगर नहीं जीते, बट कंट्री के लिए मेडल जीतना इज़ द बेस्ट थिंग। कंट्री के लिए जीतना था बस, एक ये जो है आपने मन में सोचा हुआ था, लेकिन क्या कुछ विचार थे उस वक्त जो आपके माइंड में चल रहे थे, क्या थॉट्स आपके मन में आ रही थी कि नहीं अगर थोड़ी सी चूक हो गई, या कैसे अपने खुद को फोकस रखा कि वहाँ पर, ताकि क्योंकि जो प्रेशर है वो आपको ना डिगा सके आपके लक्ष्य? मेरे ख्याल से सेल्फ टॉक शूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, सेल्फ टॉक एंड मेडिटेशन, क्योंकि जब तक आप खुद को, खुद से बात करना नहीं सीखोगे, खुद को समझाना नहीं सीखोगे कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, तब तक आप हर मैच में आपको प्रेशर रहेगा। और योगा आपको मेडिटेशन में हेल्प करता है? डेफिनेटली। इसके अलावा जब आपने पहला मेडल जीता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात कर लें, आपने पहला मेडल आप जीत कर आए थे, तो सबसे पहले किसको आपने फ़ोन किया, या किसको, एक तो खुशी तो सबसे ज़्यादा थी ही, लेकिन क्या, कैसे आपने उसके अपने सेलिब्रेशन किया उसके लिए? मैंने अपने पेरेंट्स को ऑब्वियसली सबसे पहले फ़ोन किया, और
पहला मेडल जीतने के बाद तो खुशी सबसे ज़्यादा ही थी, क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करके जीता मेडल, तो बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि आप दिन भर का शेड्यूल तो आपने बताया, लेकिन अगर खाने की अगर हम बात करें तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करती हैं, क्या डाइट रहती है आपकी बेसिकली, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपका फोकस भी बिगाड़ सकती हैं, तो उस क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड करती हैं? बेसिकली न्यूट्रिटिव डाइट बहुत ज़रूरी है कॉन्सेंट्रेशन के लिए और फोकस के लिए, तो फ्राइड और बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए ऑब्वियसली जितना घर का, और प्लेन खाना, नॉट स्पाइसी फूड, तो वही मेन रहता है। देखिए ये सब चीज़ें हैं जो गौरी बहुत ध्यान रखती हैं, हालांकि दिन भर जो है बहुत हेक्टिक शेड्यूल गौरी का रहता है, पूरा दिन सुबह योगा करती हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस करती हैं, देन घर रात को जिम फिर से जाना पड़ता है, तो ये जो है पूरा उनका एक शेड्यूल रहता है। लेकिन इसके अलावा खाने में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए, जो अवॉइड करनी है। इसके अलावा जो खास ड्रेस है गौरी की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपने स्पेक्स लगाया है, इन सब के बारे में क्या वजह है इसके पीछे जो आपने ये लगाया है, और कैसे आप जो है तैयारी करते हो शूट करने से पहले, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेचिंग है, क्योंकि इफ़ वी डोंट स्ट्रेच बिफोर ट्रेनिंग तो फिर हमारे को इंजरी रहने का बहुत ज़्यादा वो चांसेस रहते हैं, तो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लासेस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम एक आंख बंद करनी होती है, तो इससे हेल्प मिलती है कि हमें ये आगे कर लेते हैं तो वन आई इज़ क्लोज्ड, आँख बंद कर लेते हैं एक आँख, उससे जो है एक आँख क्लोज हो जाती है, एक ही आई से जो है आपको पूरा फोकस रखना पड़ता है। इसके अलावा गौरी, जब आप यहाँ पर आती हो अपनी पिस्टल के साथ में, जब आपको यहाँ पर शूट करना होता है, उससे पहले कोई थॉट माइंड में रखते हो या क्या कुछ रहता है कि फोकस जो है सही लगे? कि हर एक शॉट इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली यही रहता है कि हमें, अगर हम हर एक शॉट को अपने दिमाग में लेके चलें कि हमें क्या टेक्निक फॉलो करनी है, तो हम हर एक शॉट में अपना बेस्ट देंगे। इसके अलावा आपकी जो पिस्टल है गौरी, अगर हम इसकी बात करें, क्या खास है इस पिस्टल के अंदर, और साथ ही कितना समय हो गया आपको इसी पिस्टल को यूज़ करते हुए? मैंने स्टार्टिंग से इसी पिस्टल से किए हैं, जो ये मार्क्स हैं, ये सारे जो स्टिकर्स हैं, ये सारे इंटरनेशनल्स के स्टिकर्स हैं, तो ये सारे मैचेस मैंने इसी पिस्टल से खेले। देखो ये मार्क्स हैं, इसके ऊपर जितने स्टिकर्स ये लगे हुए हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने समय से गौरी प्रैक्टिस कर रही है, साथ ही किस तरह से वो आगे एक एक कदम जो है अपना बढ़ाती जा रही है, एक के बाद एक जो है टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके देश को रिप्रेजेंट करके किस तरह से देश का गौरव जो है वो बढ़ाती जा रही है। इस पिस्टल में कितनी तरह की पिस्टल्स आती हैं गौरी, अगर हम पिस्टल की खास बात करें, और आपने जब इसको चुना था पिस्टल को अपने लिए, तो किस खास चीज़ का, किन खास बातों का आपने ध्यान रखा? पहले तो जैसे स्टार्टिंग में इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि कौन सी पिस्टल बेस्ट है, बट फिर मैंने ये ट्राई करके देखी तो मुझे काफ़ी सूट करी, और 10 meters में आई थिंक 3 या 4 मेन जो कंपनीज हैं वो बेस्ट हैं, तो आई चोज दिस वन। तो इसीलिए आपने इस पिस्टल को जो है चुना है। इसके अलावा आपकी जो चीज़ें रहती हैं शूटिंग से पहले, आपको एक ये बर्ड्स लगाने पड़ते हैं ताकि आवाज़ ना आए, ताकि इधर उधर की आवाज़ आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, तो ये पूरी रेंज रहती है। यहाँ पर वो सामने टारगेट रहता है जिस पर शूट करना होता है, और इसके बाद यहाँ पर मार्किंग जो है आपको मिलती है कि आपका कहाँ पर बुलेट जा रही है, कितना आप अच्छा शॉट करें, उसके हिसाब से आपको मार्किंग जो है वो दी जाती है, और वो पॉइंट्स आपके जो है वो कैलकुलेट होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्तर पर भी जाते हो, देश को रिप्रेजेंट करते हो, आपको जितना बेहतरीन आपने प्रदर्शन किया है तमाम खेलों में, प्रतियोगिताओं में, आपको भीम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, वो जो एक मोमेंट था जब आपको सरकार की ओर से भीम अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ, कितनी खुशी उस वक्त हुई आपकी फैमिली को? हुई बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि वो मेरा पहला ऐसा अवार्ड था जो मुझे मिला था, तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और उससे एक मोटिवेशन मिलती है कि अगर आपको कुछ सम्मानित करा जाए तो आप चाहते हो कि आप और अच्छा करें और अपने देश को, देश का नाम रोशन करें। लेकिन क्या सरकार की ओर से अभी और भी कोई हेल्प ऐसी की जाती है इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए कोई, ताकि आपको आगे और बेहतरीन करने में मदद मिल सके? हाँ डेफिनेटली, हरियाणा में तो स्पेशली अब तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो चल रहा है, तो उसके साथ खेल में भी काफ़ी ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। क्या कुछ फैसिलिटी आपको दी जाती है सरकार की ओर से? जैसे अभी शूटिंग रेंजेस काफ़ी बन रही हैं हरियाणा में भी, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिम्स बना रखे हैं, तो फिर वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए सबको प्रोवाइड होती है वहाँ पे ट्रेनिंग। लेकिन अगर, हालांकि इतनी फैसिलिटी आप बता रहे हो कि सरकार की ओर से दी जाती है, लेकिन अगर यहाँ पे आप एक प्रैक्टिस करते हो, जब बाहर आप जाते हो, कितना डिफरेंस आप देखते हो दोनों चीज़ों? बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, बिकॉज रेंजेस मोस्टली हर जगह सेम ही होती है, बट इलेक्ट्रॉनिक रेंजेस अभी हर जगह नहीं है इंडिया में, बट मैचेस हमारे मोस्टली इंटरनेशनल में सारे इलेक्ट्रॉनिक रेंजेस पे ही होते हैं।
लेकिन वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा में खेलों को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, एक खेल फैक्ट्री जो है हरियाणा को एक टाइटल मिल गया है, तो ऐसे में किन चीज़ों को जो है सरकार को और इम्प्रूव करना चाहिए? अगर आप ही के खेल की हम बात करें, शूटिंग की ही बात करें, तो किन चीज़ों में सुधार होने की और ज़्यादा ज़रूरत है? कोचेस की इंडिया में थोड़ी कमी है, क्योंकि सारे स्पोर्ट्स में कोचेस की फैसिलिटीज़ थोड़ी कम हैं। तो अगर कोचेस, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे सब लोगों को कोचेस नहीं मिलते। इंडियन टीम में आने के बाद ही अगर आपको कोचेस मिलेंगे, तो आपको उससे पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए खुद स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो उसके लिए अगर कोचेस पहले से हों तो बच्चे और अच्छा करेंगे। जब आपने पहला परफेक्ट शॉट लगाया था, वो कितना टाइम आपको लगा था उस शॉट को बनाने में, परफेक्ट शॉट लाने में? जब मैंने शूटिंग शुरू करी उसके कुछ महीने बाद, एक महीने बाद ऑलमोस्ट। जब आपने सोचा कि शूटिंग जो है आपको इसको आगे खेल के तौर पर अपना बढ़ाना है, इसी में आपको अच्छा अपना प्रदर्शन देना है, तो घर से क्या रिस्पॉन्स था, पेरेंट्स ने? हालांकि आपका भाई ऑलरेडी शूटर है तो उतना ज़्यादा रोक टोक नहीं होगी, लेकिन कोई परेशानी आपको हुई उस टाइम पर? नहीं, पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने ही मुझे कहा था कि शूटिंग ज्वाइन करो, तो उन्होंने ही मोटिवेट किया था ज्वाइन करने के लिए, और उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है। लेकिन काफ़ी कॉस्टली खेल्स में आता है शूटिंग। हाँ, क्योंकि बुलेट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और वही कि अगर आप टीम में नहीं हो, अगर आपको खुद के एक्सपेंसिस से लेना पड़ रहा है, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। इसके अलावा गौरी, अगर हम बात करें कि हालांकि आपने शेड्यूल की अपनी बात की, अभी अगर आपके पढ़ाई आप कर रहे हो, क्या कुछ आप पढ़ाई कर रहे हो? मैं बीए कर रही हूँ अभी, तो उसके साथ अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे मेरे। तो पढ़ाई के साथ में अपना गेम को के ऊपर ध्यान देना, इसके ऊपर पूरा समय आपको क्योंकि देना पड़ता है, तो कोई परेशानी तो नहीं? कॉलेज को काफ़ी कोऑपरेटिव है, क्योंकि अगर हमारे एग्ज़ाम्स मिस हो जाते हैं किसी टूर्नामेंट वगैरह की वजह से, तो फिर वो हमारे बाद में ले लेते हैं, सो दैट्स क्वाइट सपोर्टिव। आपको पूरा समय दिया जाता है कि आप जाओ प्रैक्टिस करो अपने टूर्नामेंट्स के लिए, आगे आप तैयारी कर रहे हो, हालांकि 2020 में आपको देश को रिप्रेजेंट करना है ओलंपिक्स के अंदर भी, उसको लेकर कैसी तैयारी चल रही है? उसके लिए सारा कुछ उसी के लिए चल रहा है, और बीच में जो कॉम्पिटिशन्स खेलूंगी दैट विल बी ऑन द वे, बट द मेन फोकस इज टोक्यो। लेकिन कितने मेडल्स अभी तक आप पूरा जमा कर चुके हो? क्योंकि कहा जाता है कि अगर खिलाड़ी को परखना है, खिलाड़ी कितना बेहतरीन है, तो उसके मेडल्स पर एक नज़र डाल ली जाए, तो कितने मेडल्स आपके पास अभी तक इकट्ठे हो गए हैं? अभी इंटरनेशनल 21 मेडल्स हैं। और जब पहला मेडल आया था आपका, वो कितने समय पहले आया था, और साथ ही वो एक फीलिंग जो होती है क्योंकि पहला मेडल था जो आपने जीता था अपने खेल से, वो कैसा एक मोमेंट था? पहला मेडल 5 साल पहले ही था, जब मैं पहली बार इंडियन टीम में आई थी। उसके बाद उसी ईयर में, सेम ईयर आई प्लेड माय फर्स्ट इंटरनेशनल, तो उसी में मेडल था, और बहुत अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि अपने कंट्री के लिए आप जीत रहे हो, खुद का नाम होता है, कंट्री का नाम होता है, सो इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग। जब आप वापस आते हो वहाँ से खेलकर, क्योंकि हालांकि देश को तो बहुत सारी उम्मीदें होती ही हैं जब अपने प्लेयर को बाहर भेजते हैं खेलने के लिए, बहुत सारी उम्मीदों के साथ में खिलाड़ी को बाहर भेजा जाता है, लेकिन जब आप वापस आते हो एक जीत कर, तो कैसे सम्मान मिलता है देश के अंदर, क्या कुछ सम्मान मिलता है और कितना प्रोत्साहन उससे आपको मिलता है? जैसे अभी हरियाणा में उन्होंने खेल के लिए काफ़ी पैसे लोग एथलीट्स को देने शुरू किए हैं, तो उससे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आप अपने उससे अपनी चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, एमिनेशन खरीद सकते हैं, तो उसकी कमी नहीं रहती है, तो इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। काफ़ी कुछ जो है सरकार की ओर से हेल्प दी जाती है खिलाड़ियों को, जैसा गौरी बता रही है कि बहुत सारी मदद जो है सरकार की ओर से दी जाती है, और इसी की बदौलत जो है खिलाड़ी आगे अच्छा प्रदर्शन करता रहता है, और साथ ही अच्छे से अपने देश को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। गौरी को अपनी दिनचर्या में डिसिप्लिन का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। सुबह योगा के साथ ही उनके दिन की शुरुआत होती है। हमने गौरी के योगा टीचर से भी जाना उनके इस योग के रूटीन के बारे में।
गौरिका सबसे पहले सुबह में योगा वो करती हैं ताकि उनको मेडिटेशन जो है उसमें आसानी रहे, और साथ ही जब फोकस बनाना होता है शूट करने से पहले तो उसमें उनको काफ़ी मदद उससे मिलती है। और इसीलिए क्या कुछ खास वो योगासन करती हैं, किस तरह से योगा प्रैक्टिस करते हैं, सब के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त गौरी के योगा कोच जो है मोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्योंकि गौरी को आप योगा कराते हैं, फिटनेस का काफ़ी ध्यान रखा जाता है उनके गेम से पहले, तो क्या कुछ खास आसन है जो आप गौरी के लिए स्पेशली कराते हैं? देखिए, ये जो गेम है इट्स अ माइंड गेम, क्योंकि इसमें मन की स्थिरता का होना बहुत ज़रूरी है, और जिसको और दूसरी भाषा में कहें तो एक तरह का बैलेंस। तो अगर हम फिज़िकल लेवल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जिनसे बॉडी का बैलेंस इंक्रीज होता है, और बॉडी और माइंड जो आपस में लिंक होते हैं तो उसी से उनका माइंड भी स्टेबल होता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो वो एकाग्र होने में आसान हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और जिससे कि जो निशाना है वो लगता है। कंसंट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, एकाग्रता आपकी होनी चाहिए इस गेम से पहले, तभी आपका फोकस जो है वो अच्छा बन पाता है। इसके लिए कौन से विशेष आसन हैं जो गौरी के लिए आप स्पेशल? आसन में जैसे हम लोग वृक्षासन है, सूर्य नमस्कार है, कुछ लेट के आसन है, कुछ उल्टा लेट के आसन है। उसके अलावा जो ज़्यादा जिस पे हम ध्यान देते हैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर, बिकॉज ब्रीदिंग समवेयर रिलेटेड टू आवर माइंड। अगर हम ब्रीदिंग को कॉन्शियसली और इन राइट वे हम उसको करें तो वो माइंड को भी स्टेबल करता है। और उसके बाद हम कुछ ध्यान की टेक्निक्स करते हैं जो योग में बहुत ही अच्छी हैं, जिसको हम त्राटक बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में गेजिंग बोलते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर हम उसको फोकस करते हैं, तो उससे आईसाइट भी इम्प्रूव होती है और जो एकाग्रता है वो बढ़ती है। और जितना भी हमारा जो इतिहास रहा है निशानेबाजी का, जो इससे पहले हमारे यहाँ तो धनुर्वेद तक लिखा गया है, जो पूरा इसी साइंस के ऊपर है कि किस तरह से कि हम अपना जो निशाना है उसको इम्प्रूव करें, तो उस साइंस के अंदर भी सारी बातें योग की, प्राणायाम की बातें उसमें बताई गई हैं। मोहित जी, कितना समय हो गया जब अपनी योगा सिखाना शुरू करें, कितने समय से आप सिखा रहे हैं गौरी को? अब मैं लगभग 1 साल पूरा हो चुका है, और उससे उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है इसका योग करने से। हमने सुना था अभी हाल ही में आपको चोट भी लगी है गौरी, वो कैसे लगी आपको? वो बस इंजरी थी, ऐसे ओवर यूज ऑफ मसल की वजह से। तो उसके लिए भी आप कोई विशेष एक्सरसाइज कर रहे हो? उसके लिए फिजियोथेरेपी। करते हो क्या? योगा भी इम्प्रूव करता है ये चीज़ें? हाँ, डेफिनेटली योगा जो है वो स्ट्रेंथ तो है ही है, बिकॉज और बैलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब बैलेंस इम्प्रूव हो जाता है तो बॉडी अपने आप ही एक अलाइनमेंट में आ जाती है, तो वो गेम के साथ बहुत जुड़ी हुई है। तो कितना समय देते हैं योगा के लिए सुबह में, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? लगभग हम 1 या 1.25 घंटा हम रोज सुबह इस पर प्रैक्टिस करते हैं, और उसका गौरी को बहुत फ़ायदा होता है। इसका गौरी को बहुत फ़ायदा होता है। क्या जिस दिन टूर्नामेंट होता है तब भी आप करके जाते हो योगा, कभी नहीं मिस करती हो? नहीं, अभी करती हूँ योगा सुबह रोज़। 1 साल से ही कर रही हो या उससे पहले से भी कर रही थी आप योगा? बेसिकली 1 साल से, उससे पहले नहीं, उससे पहले सिर्फ जिम। तो सुबह में आप अभी योगा भी करती हो, उसके बाद प्रैक्टिस करती हो, फिर शाम को जिम भी जाती हो, तो ये पूरा जो है शेड्यूल रहता है। अभी 1 साल से गौरी ने योगा करना शुरू किया है। लेकिन गौरी, 1 साल पहले जब आप सिर्फ जिम करती थी, 1 साल से आपने योगा शुरू किया है, तो कितना डिफरेंस आपने देखा है? कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, बॉडी में स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करते हैं हम, तो इम्प्रूवमेंट है। आप जब यहाँ पे निशाना लगाते हो उसमें भी बहुत फ़र्क उसका नज़र आता है आपको खुद को, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से फील कर सकते हो। हाँ, बिकॉज बॉडी बैलेंस उससे बेटर हो जाता है, तो बैलेंसिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। गौरी की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद हम रेंज से निकलकर उनके घर पहुंचे और वहां पर गौरी की तमाम उपलब्धियों पर एक नजर डाली। तो शूटिंग रेंज से निकलकर अब हम पहुंच गए हैं गौरी के घर में, और यहां पर हम देखने वाले हैं गौरी के मेडल्स, जो कि उनकी 6 सालों की जो मेहनत है पूरी वो किस तरह से रंग ला रही है, इसके ऊपर हम नजर डालेंगे। साथ ही आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से गौरी ने पूरे मेडल जो है वो सजाए हैं। यहाँ पर गौरी मेडल्स जो है हम बताना चाहेंगे कि ये पूरी टेबल है यहाँ पर जो गौरी ने स्पेसिफिकली आज के लिए यहाँ सजाई है। ये सारे मेडल्स जो हैं गौरी के हैं, पूरी 6 सालों की मेहनत, जितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने मेडल्स गौरी ने जीते हैं वो सभी यहाँ पर इस टेबल पर आज गौरी ने सजाए हैं। गौरी, इन मेडल्स के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, एक एक करके आप सभी मेडल्स के बारे में बताएं, और कितनी खुशी आपको हुई हर एक मेडल को लेते हुए?
हर एक मेडल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक मेडल हर एक स्टोरी को, हर एक मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक अलग कंपटीशन में जहाँ पे कितनी मेहनत करके हमने मेडल जीता है, तो फिर उसके लिए हर एक मेडल की अलग स्टोरी है। ISSF का है? हाँ, ISSF इज़ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन। तो ये जूनियर वर्ल्ड कप का मेडल है, ये वाले सारे जूनियर वर्ल्ड कप के मेडल हैं। ये पिछले लास्ट 3 सालों से इसको वर्ल्ड कप बोला गया था, उससे पहले ये जूनियर इंटरनेशनल माना जाता था। तो ये 5 मेडल्स उन 3 सालों के हैं। 3 सालों के हैं 5 मेडल, और इसके अलावा जो आगे और मेडल्स हैं, ये वाले 2 मेडल्स मेरे हैनोवर शूटिंग चैम्पियनशिप में थे जर्मनी में, स्पोर्ट्स पिस्टल और 10 मीटर्स एयर पिस्टल, दोनों में उस बारी मेरा गोल्ड था। ये एशियन एयरगन का है, ये दिल्ली में ही हुआ था कंपटीशन 2015 में, और ये ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2014 स्पेन में हुई थी, इसका टोकन है। ये जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप का इस साल का ब्रॉन्ज मेडल है, ये इसी साल हुई थी जर्मनी में सूल में। और ये वाला कंपटीशन हमारा हर साल होता है, जैसे ISSF वर्ल्ड कप वाला कंपटीशन होता है, ये हमारा पिल्सन चेक रिपब्लिक में होता है। तो ये वाला हमारा ये वाला मेडल और ये 3 मेडल वहीं के हैं। और उसके बाद ये एशियन चैम्पियनशिप, ये हुई थी 2013 में, ये मेरे वन ऑफ द इनिशियल मेडल्स थे, ये मेरा फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल था ईरान में। इससे पहले टीम में मेडल्स थे। और ये भी वहीं पे हमारा टीम में था गोल्ड मेडल, और यही सब मेडल्स मेडल्स हैं गौरी। अभी क्योंकि पूरी टेबल जो है भर गई है, हालांकि आपने बहुत कलेक्टिव करके सबको रखा है, लेकिन अगर हम फैलाएं तो पूरी टेबल ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। कितने और मेडल्स एड ऑन करने हैं अभी? As many as I can. क्या अपने सपना देखा है कि अगर आप शूटिंग कर रही हैं, आप इस खेल में हैं, तो कहाँ किस मुकाम तक आपको पहुँचना है? अभी के लिए तो पहले है कॉमनवेल्थ एशियन चैम्पियनशिप, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और वहाँ से कोटा मिलना शुरू होता है ओलंपिक्स का। तो डेफिनेटली मेन एम इज़ ओलंपिक्स। साथ ही आपको एक वॉल भी अपनी तैयार करनी थी। हाँ, मैं अपनी एक वॉल इन सबको फ्रेम करके अपनी वॉल पे लगाना चाहूँगी, और एक इंडिया की जर्सी और एक ब्लेजर। ये आपका एक सपना है जो आप पूरा करना चाहती हैं। गौरी, आपने क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो, सब सपोर्ट आपको मिल रहा है, हालांकि घर परिवार से भी आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आप इस खेल में बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी बेटियां हमारे देश में अभी भी ऐसी हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, या जिनको घर से आगे बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। ऐसे लोगों के लिए जो अपनी बेटियों को रोकते हैं, या वो बेटियां जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो नहीं कर पाती, उनके लिए आप कोई संदेश आज देना चाहते कि खेल हर एक बंदे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ भी इससे इम्प्रूव होती है। और जैसे अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके साथ हमें खेल का भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि सबको खेलने के लिए भी प्रमोट करना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि लड़के तो खेलते हैं बट लड़कियों को रोका जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि सबको, उनको हेल्थ का भी इससे बेनिफिट मिलेगा, और जो अचीव करना चाहते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो इंडिया की ही शान बढ़ेगी। इंडिया की ही शान बढ़ेगी, जो इंडिया को अगर बाहर जाकर, अपने देश को बाहर जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, देश का गौरव तो वो बनेंगी ही, साथ ही आपके परिवार की भी उसका सम्मान और बढ़ेगा, प्रदेश से जिस प्रदेश से वो ताल्लुक रखती है उस प्रदेश का गौरव और बढ़ेगा। गौरी अपने मेडल हमें दिखा रही थी, तो वहीं इस दौरान बातों बातों में हमने गौरी के आगे के प्लान्स के बारे में भी उनसे बात की। गौरी, अक्सर देखा जाता है कि जितने स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जितने प्लेयर्स हैं या दूसरे गेम्स में भी हैं, अक्सर एड्स के ऑफर सुने आने लगते हैं, या मॉडलिंग के लिए स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को बुलाने लग जाते हैं। अगर हम देख लें सानिया मिर्जा हो या फिर साइना नेहवाल हो, सभी को ऑफर्स ऐसे कुछ ना कुछ एड्स के लिए आने लगते हैं। आपको अभी तक कोई ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं? आपकी कोई तैयारी आगे मॉडलिंग वगैरह में जाने की? हाँ, मुझे ऐसे कैलेंडर्स के शूट्स के लिए और एडवर्टाइजमेंट्स के लिए ऑफर्स आते हैं, बट आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिला करने का कुछ। तो अभी सोचती हूँ, आगे सोचूंगी, अगर मॉडलिंग में भी जाना होगा तो आई विल थिंक अबाउट इट। अभी आप सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन आपके अगर हम इंटरेस्ट की बात करें खुद के, तो आपका इंटरेस्ट है मॉडलिंग की तरफ जाने का, एक रुझान है आपका? हाँ, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ट्राई इट वंस, तो एक बार करूँगी, सोचूंगी उसके बारे में। करना जरूर चाहेंगी गौरी, मॉडलिंग की तरफ जाना चाहेंगी, एक्टिंग की तरफ भी आपका कुछ ऐसा इंटरेस्ट है, या फैशन लाइन में आपका कोई इंटरेस्ट है?
हाँ, मैं फैशन भी पढ़ना प्रस्यू करना चाहूँगी, तो मैं शूटिंग के साथ अभी उसके लिए भी टाइम नहीं मिला, बट मैं उसके लिए डेफिनेटली टाइम निकाल के पढ़ना चाहूँगी। अभी तो आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, बीए कर रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की ही कॉलेज से, लेकिन इसके बाद में आप फैशन की तरफ जो है, फैशन जो है एज अ सब्जेक्ट प्रस्यू करना चाहेंगी? हाँ डेफिनेटली, फैशन मुझे पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। उसके लिए क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि अभी तो आपका शूटिंग का ही इतना हेक्टिक से शेड्यूल रहता है, आपके मैचेस रहते हैं एक के बाद एक, तो फैशन की अगर आपको पढ़ाई करनी है उसके लिए कैसे वक्त निकालने वाली हैं? अभी पहले तो मैं सोच रही हूँ, जैसे समर स्कूल्स होते हैं एक महीने के या फिर डेढ़ महीने के, तो उनको करने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं 2 साल का कोई कोर्स करने जाऊँगी तो उसके लिए बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेंगी कि मैचेस बाहर खेलने के लिए, तो 2 महीने के कोर्स से मुझे आइडिया भी लग जाएगा कि मुझे फैशन करना चाहिए आगे या नहीं, और मतलब मैं कर भी पाऊंगी, पढ़ भी पाऊंगी उसे। गौरी को गाने सुनना भी पसंद है और साथ ही उन्हें इंग्लिश के साथ पंजाबी गाने भी वो सुनती हैं। इनमें दलजीत के गाने उनकी आजकल फेवरेट हैं और इसी के चलते गौरी ने एक गाना भी हमें सुनाया। गौरी, अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए आप कौन से सिंगर के गाने ज्यादा सुनने पसंद करते? मुझे पंजाबी गाने भी पसंद है और इंग्लिश भी। पंजाबी में अभी रिसेंटली दिलजीत के गाने अच्छे लगते हैं। तो कोई दिलजीत का गाना हो जाएगा? हाँ, उसका सरदारी अभी रिसेंटली गाना आया है, तो उसकी 2-3 लाइनें हैं कि आंदे ना बोले ती सपने ते ना कोई फरारी आंदी है, मेरे सपने दे विच सोने आ बस तेरी सरदारी आंदी है। वाह, क्लैपिंग्स हो जाए इसके लिए इतना अच्छा गाया गौरी ने। हालांकि गाने में आपका बहुत ज़्यादा गाने की तरफ से जाने का भी है नहीं, लेकिन फैशन की तरफ जाने का है। उम्मीद करते हैं कि फैशन की लाइन में जॉब करना चाहते हैं आगे, उसमें ज़रूर आप कामयाब रहें। तो खेलों में भी बेटियों को आगे बढ़ने दें, ताकि अगर वो जाकर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगी, उससे गौरव आपका भी बढ़ेगा, आपके परिवार का बढ़ेगा, साथ ही जिस प्रदेश से वो ताल्लुक रखती हैं उस प्रदेश का गौरव बढ़ेगा, देश का गौरव बढ़ेगा। और इसीलिए बेटियों को आज रोकें ना, बल्कि मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहें, ताकि जिस लक्ष्य को वो हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य तक, उस ऊंचाई तक वो ज़रूर पहुँचे। और यही हुआ गौरी के साथ भी, उनके पेरेंट्स ने, उनके माँ पापा ने उनको बहुत सपोर्ट किया और तभी वो आज देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बखूबी रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिलहाल मैं बीटी हूँ, मैं आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपकी मुलाकात कराएंगे एक बार फिर से एक और जुनूनी बेटी से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।